किसानों के लिए कोई स्कीम आती है लेकिन वो किसानों को समझ नहीं आती, छात्रों के लिए कोई स्कीम आती है लेकिन वो छात्रों को समझ नहीं आती, नौजवानों के लिए भी कोई स्कीम आती है लेकिन वो नौजवानों को ही समझ नहीं आती, लेकिन ये सारी स्कीम अंधभक्तों और आजकल बड़े बड़े कारोबारियों को जरूर समझ आ जाती है। पहले सिर्फ अंधभक्त ही मोदी सरकार की योजनाओं के फायदे गिनवाते थे, लेकिन अब देश के बिजनेसमैन भी आईटी सेल की तरह काम करने लगे हैं। ताजा मामला अग्निवीर योजना का है। एक तरफ जहां नौजवान ठेके पर 4 साल के लिए सैनिक बनाने वाली योजना का विरोध कर रहे हैं, तो ट्विटर पर आनंद महिंद्रा और अडानी जैसे कारोबारी ज्ञान बांट रहे हैं कि ये योजना बहुत अच्छी है, इससे युवाओं का भविष्य बेहतर होगा, उनका ये दावा है, और हम युवाओं को अपने यहाँ नौकरी देंगे। आनंद महिंद्रा ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा, उन्होंने ट्वीट किया, अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रही हिंसा से बेहद दुखी हूं। जब इस स्कीम पर पिछले साल बात शुरू हुई थी मैंने तभी कहा था और अब फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अनुशासित और स्किल्ड अग्निवीरों को नौकरी के बेहतर मौके मिलेंगे। महिंद्रा ग्रुप ऐसे ट्रेंड और क्षमता वाले युवाओं को नौकरी करने के मौके देगा। इस खबर पर आगे बात करें इससे पहले ये समझिए कि आनंद महिंद्रा के ट्वीट से ये साफ हो गया कि उन्हें एक साल पहले ही पता था कि अग्निवीर जैसी योजना यानी सेना में ठेकेदारी प्रथा लागू होने वाली है। ये जो योजना है इसके बारे में देश को नहीं पता, देश की जनता को नहीं पता, लेकिन कारोबारियों को पहले से पता चल जाता है, ये खुद इनके ट्वीट से साफ हो जाता है। ये कैसे होता है, क्या गठजोड़ है, इस पर भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं कि अपनी कंपनियों में ठेके पर एम्प्लॉय रखने वाले आनंद महिंद्रा ठेके पर सैनिक बनने वाले अग्निवीरों को पक्की नौकरी का सपना दिखा रहे हैं। ये तो आदि हो गई, मतलब आनंद महिंद्रा की खुद की कंपनी में तो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करते हैं, ठेके पर काम करते हैं, वहां काम करने वाले लोगों को खुद अपनी नौकरी जाने का खतरा सताता रहता है, और फिर भी वो कह रहे हैं कि हम अग्निवीरों को नौकरी देंगे। किस तरह की नौकरी देंगे, क्या वैसा ही ठेका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जैसे आपके एम्प्लॉय को मिली हुई है? चलो मान लेते हैं कि वो नौकरी देंगे, लेकिन कौन सी नौकरी देंगे? आनंद महिंद्रा ये क्यों नहीं बता रहे कि वो अग्निवीरों के लिए कौन सी नौकरियां निकाल रहे हैं, क्या भर्तियां होंगी, क्या प्रोसेस होगा, क्या काम होगा, क्या पे स्केल होगा? अगर आपके पास एक साल पहले से ये जानकारी थी तो आपने उस पर क्या ब्लूप्रिंट बनाया, वो आप जनता के सामने पेश क्यों नहीं कर रहे? 10वीं और 12वीं पास करके 4 साल के लिए अग्निवीर बन के रिटायर होने वाले नौजवानों को भला 10वीं 12वीं के आधार पर कौन सी नौकरी दी जा सकती है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। आनंद महिंद्रा को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि आनंद महिंद्रा को पिछले हफ्ते ही मोदी सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया है, तो क्या इसीलिए आनंद महिंद्रा ऐसा बोल रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। अगर नहीं तो आनंद महिंद्रा को ये भी बताना चाहिए कि अब तक उन्होंने सेना से रिटायर होने वाले कितने जवानों को अपनी कंपनी में नौकरी दी है। तीनों सेनाओं में थल सेना, वायु सेना, नेवी, नौसेना, इनसे सालाना कई हजार लोग रिटायर हो रहे हैं, तो भला आनंद महिंद्रा उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? अगर किया है तो उसके बारे में बताएं कि अब तक कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी है। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने ट्विटर पर लिखा, भाई साहब आपकी कंपनियों में ग्रेजुएट से नीचे वालों के लिए कौन सी नौकरी है? अग्निवीर युवा अपनी मैट्रिक और 12वीं पास का कागज लेकर आएंगे, उनको आप कौन सी नौकरी देंगे? और अब कितने रिटायर जवानों को आपकी कंपनी ने नौकरी दी है और कैसी नौकरी, कुछ डाटा दीजिए। खुद सेना के लोग भी आनंद महिंद्रा से ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं। एक्स नेवी चीफ अरुण प्रकाश ने ट्विटर पर लिखा, इस नई योजना का इंतजार क्यों? क्या महिंद्रा समूह ने अब तक हजारों हाईली स्किल और अनुशासित पूर्व सैनिकों, जवानों और अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जो हर साल रिटायर हो रहे हैं और दूसरे करियर की तलाश में हैं? अगर आपकी कंपनी इस पर कोई आंकड़ा दे दे तो अच्छा रहेगा। हम जैसे लोगों को तो भक्त देशद्रोही कह देंगे कि ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो खुद पूर्व नेवी चीफ ने पूछा है, इसलिए भक्तों को और खुद आनंद महिंद्रा को इस सवाल का जवाब देना ही चाहिए। ऐसा ही एक सवाल पूछा है एक्स एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, क्या हम आपके संस्थान में पूर्व सैनिकों को मिली नौकरी के आंकड़े देख सकते हैं? सर, जैसा कि पूर्व नेवी चीफ ने मांग की थी, मैंने अपनी 40 साल की सर्विस में इस तरह के बहुत से वादे सुने हैं। आनंद महिंद्रा शायद ऐसे सवालों के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन संदीप कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने जब उनसे पूछा कि वो अग्निवीरों को महिंद्रा ग्रुप में किस पद पर नौकरी देंगे, तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया। उन्होंने लिखा, कॉरपोरेट सेक्टर में अग्निवीरों के रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, लीडरशिप, टीम वर्क और फिजिकल ट्रेनिंग के साथ अग्निवीर पेशेवर के तौर पर बाजार के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन इंडस्ट्री में ऑपरेशंस, प्रशासन या सप्लाई चेन कहीं भी लगाया जा सकता है। आनंद महिंद्रा की बात पढ़ने, सुनने और देखने में तो एकदम अच्छे दिनों के वादे जैसी लग रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अच्छे दिनों के नाम पर देशवासियों के साथ क्या हुआ है, इसलिए ऐसे वादों पर क्या भरोसा किया जा सकता है।
बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं कि हम अपने दफ्तरों में अग्निवीरों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा था। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल, 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे। और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरह से मोदी जी देश की सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं, आने वाले दिनों में उनके दोस्तों का कारोबार और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। रेलवे, हवाई जहाज, हवाई अड्डे, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां, खदानें, बंदरगाहें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सब आने वाले दिनों में अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों का साम्राज्य विस्तार के साथ बढ़ता हुआ इसमें आप देखेंगे कि ये साम्राज्य उनका बढ़ गया है। और जब साम्राज्य बढ़ जाएगा तो उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। जब इतना बड़ा कारोबार होगा, एम्पायर हो जाएगा, तो उसकी सिक्योरिटी भी तो इंतजाम करने पड़ेंगे। और सिक्योरिटी बढ़ानी होगी तो ट्रेंड आर्मी जवानों से बेहतर भला कोई और मिल सकता है क्या? इसलिए लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि असल में सरकार अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों के लिए भाड़े के गार्ड तैयार करने की योजना लेकर आई है। वैसे भी पूंजीपति अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखते ही हैं और आने वाले दिनों में ये काम शायद अग्निवीर करते हुए नजर आए। खैर, आपका इस बारे में क्या सोचना है? आपको लगता है कि अग्निवीर स्कीम सही है या फिर जो कॉरपोरेट जगत से जो ऑफर आ रहे हैं उस पर आपका क्या सोचना है, आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।